कोरोना ने तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक को बेबस कर दिया। सुपर पावर का सेहत का निजाम भी लड़खड़ा गया। हुकूमत ने वायरस की रोकथाम के लिए बर वक्त इकदाम नहीं उठाए। वजीर आजम ना तजर्बाकार और अना के को हिमालय पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है और हमने लॉकडाउन खोल दिया। हमारी हुकूमत ने भी इस हवाले से जो मुमकिन इकदाम करने चाहिए थे बदकिस्मती से नहीं उठाए, और उसकी एक लंबी तफसील है। आपको याद होगा कि तकरीबन मार्च 11 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी को आलमी वबा करार दे चुकी थी और कौमी असेंबली का इजलास जारी था और हमने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया। हमने हुकूमत की मिन्नतें की के इस ऐवान के अंदर हमें बताया जाए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है। कोरोना को भी इन्होंने सियासी पॉलिटिकल फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका आज हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? क्या कोई मौशी पॉलिसी है? क्या कोई सनती पॉलिसी है? क्या कोई जरई पॉलिसी है? क्या कोई खारजा पॉलिसी है? क्या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं।